एक महिला मां बनने के बाद भले कितनी खुश हो पर उसके मन में एक मलाल रहता है कि आखिर वो अपनी पुरानी फिगर को कैसे हासिल करे। कोई महिला खुद को बेडौल देखना नहीं चाहती है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि ना चाहते हुए भी डिलीवरी के बाद पेट फूल ही जाता है। पेट का फूलापन आसानी से कम नहीं होता है, जिससे लेकर महिलाएं परेशान महसूस करती है। खान पान में कई तरह के बदलाव और खुद की केयर करके हालांकि इससे बचा जा सकता है, कैसे देखिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में। जब भी डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद हमें रातों रात ऐसा होता है कि मेरा पेट बहुत फूल गया है, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, 10 से 12 kg का बेबी फैट है जो हमारे पे आ जाता है और हम उसे एकदम से शट डाउन करने शुरू कर देते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो एटलीस्ट 3 months के बाद स्टार्ट कीजिए। 3 महीने अपनी बॉडी को रिजुवेनेट होने के लिए दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, 30 days, 40 days के टाइम ड्यूरेशन के बाद ही हम अपने मील हैं जो कम करने लग जाते हैं। उससे आपकी बॉडी पे नुकसान क्या क्या होता है पहले उस पर बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि फीडिंग कम करने से या कम मेरी फीड आए उससे हमारे को कोई बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना आपकी बॉडी को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही आपके बच्चे की। तो इसलिए जो भी खाएँ अच्छी फॉर्मेशन में खाएँ, एटलीस्ट फॉर 3 months। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत पंजीरियाँ ये सब चीज़ें हैं जो बना के दी हैं या लड्डू बना के दी हैं, बट क्योंकि आजकल एक फैट का डर आ गया तो हम ये लेना बंद कर देते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगी कौन लोग हैं जो ये सब नहीं खा सकते। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ है जो हो जाती है अगर वो हुई है, या प्रेगनेंसी में आपकी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है जो हो चुकी है, दैट इज़ जो प्रेगनेंसी में बीपी के इशूज़ हैं जो आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ये नहीं है तो अभी खा सकते हैं। आप खाने से डरें मत। हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होती है कि हम खाने से डरने लग जाते हैं और हम खाते नहीं हैं, तो इस चीज़ पे काम कीजिए। सेकंड, जो भी आप खाना खा रहे हैं प्लीज़ उसमें देसी घी का सेवन है जो ज़रूर ऐड करें। अगर आपको टाइफाइड है या अगर आपको बहुत बीमार होकर हम हटे हैं तो सिर्फ हल्का खाना खाना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल घर की बनी दाल सब्ज़ी है जो आप खा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है तो बुखार हो जाता है उन सबको, टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो जाता है। काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट्स की इस चीज़ को लेके कि 3rd month 4th month में मैं बहुत बीमार हो गई, फीड ही नहीं आ रही है। अच्छी फीड के लिए गुड़ वाला दलिया और गुड़ वाले चावल हैं जो खाएं। जब भी आप खाना खाएं कोशिश करें थोड़ा सा जीरे का तड़का है जो उस खाने में होना चाहिए, क्योंकि जीरा भी आपकी लैक्टेशन के लिए इनहेंस है जो करता है। और पतले होने की जो होड़ है उसको कुछ टाइम के लिए लेट करें और अपने फिटनेस की होड़ पर ज़्यादा काम करें। जो आपकी फ़िटनेस की होड़ है उस पर क्या करना चाहिए आइए उस पर बात करते हैं। आपके फ़िटनेस के लिए माइल्ड वॉक कीजिए, लेकिन 5 से 7 मिनट की। आफ्टर स्टिचेस पेन बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है, नींद पूरी नहीं होती है, तो इसलिए जो भी वॉक करें 5 से 7 मिनट की वॉक कीजिए, बट डेली कीजिए। आपके फ्रूट्स एनहांसमेंट अच्छा कीजिए। जो नट्स ले रहे हैं या जो ड्राई फ्रूट्स लेने हैं वो भीगे हुए होने चाहिए, नॉर्मल रॉ मत खाइए। हम लोग क्या करते हैं, बादाम वगैरह लेने के बजाय मखाने हैं जो लेने शुरू कर देते हैं, तो मखाना खा के आपकी बॉडी रिजुवेनेट नहीं होती है, बादाम खाने से ज़्यादा रिजुवेनेट होती है, या अखरोट खाने से होती है। लेकिन कैसे खाने, अब्सॉर्ब फॉर्म में, इसलिए इस फॉर्मेशन पर खाएं और अच्छा खाना खाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।